अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपका। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन का आगाज़ जी मेरा होने लगा है नाश्ते से। और ये मैंने कल बनाई हुई थी चिकन कढ़ाई, ये मैंने फ्राई पैन में डाली, मैंने कहा ये गर्म कर लेती हूँ और साथ में जो है वो रोटियाँ बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज मैंने कहा पराठे नहीं बनाने, तो आज रोटी सादी बना के तो उसके ऊपर मैंने कहा चलो देसी घी लगा के तो ये आज नाश्ता करते हैं और साथ में चाय बना लेते हैं। चाय के बगैर तो जी दिन ही नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर चाय ना सुबह सुबह ली जाए तो फ्रेश ही नहीं होता है माइंड, और बाकी भी सारा दिन जो है ना तबीयत तो वो सुस्त सी रहती है और फिर काम करने को भी नहीं दिल चाहता। और ये मैं रोटियों को लगाने लगी हूँ देसी घी सालन के साथ, उसके साथ मैं जो है जी चाय बनाऊँगी। और ये जी मेरा नाश्ता है सुबह का, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बंद गोभी पड़ी थी, मैंने कहा था इसको कट करके रख लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे इसको आए हुए। तो आज मैंने कहा था बच्चों के लिए जो है चिकन चाउमीन बना के दूंगी उनको, ठीक है। और इस साइड पे मैंने वॉशिंग मशीन थी लगाई हुई, थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हूँ, दो अब तो मैं 2-4 दिन बाद ही लगा लेती हूँ कपड़े। जो मशीन और ये मैंने जो गाजरे थी इतने अच्छे कलर आए हुए थे आज, अब गाजरे जो है रेड कलर में नहीं आती क्योंकि अब सीज़न में नहीं ना रही गाजरे, तो वैसे ये ऑरेंज कलर में भी अच्छी लगती हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो चिकन बोनलेस है ना क्यूब्स में, इसको मैंने लगाया है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, नमक, काली मिर्च और रेड सॉस और रेड चिली सॉस ये लगा के, और सिंपल सुरख मिर्च जो है ना वो लगा के इसको मैंने जो है ना रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो तमाम इसके जो है ना मिर्च मसाले और ये चीज़ें ना इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, वो जो है ना चिकन का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे नाले ही ब्रेड वीडियो को फॉलो और लाइक भी कीजिएगा, एक मिनट दे दे शेयर और लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। और अब ये मैं इसके बाद जी बनाने लगी, ये तमाम चीज़ों को मैंने कट कर लिया था, और ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को, टमाटर मेरे फ्रीज हुए हुए थे ना तो इसको मैंने निकाल के तो मैंने बाहर रखा हुआ पानी को डाल के, ताकि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो इसका छिलका ना वो बहुत अच्छे से उतर जाता है, रिमूव हो जाता है। जो फ्रीज हुए हुए टमाटर होते हैं ना इनकी जो है ना मुझे प्यूरी बनानी है, ठीक है ना। और ये है मैंने इस साइड पे पानी रखा है गरम, इसके अंदर मैंने नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, ताकि वो मैक्रोनी जो है ना वो मैं बॉयल करूँ। ये देखिए कितने अच्छे से इसका जो छिलका है ना आराम से उतर गया है। इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है, इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के इतनी अच्छी इस तरीके से बना के देखिएगा, ये चिकन चाउमीन बहुत डिलीशियस और मज़े के बनते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले थोड़ी सी रेड चिली मुझे कम लगी थी तो ना मैंने इसके अंदर और ऐड किया, ताकि ज़रा स्पाइसी से बन जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं ना मेरे वो इतना फीका नहीं खाना पसंद करते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च और ऐड की है, उसको बस कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना, बस फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का डाले और इसको मैंने रख देना पकने के लिए, ठीक है। इसको हल्का सा हिला के तो फिर मैंने इसको ढक देना है, ताकि जो बोनलेस चिकन है ये तो वैसे भी बहुत जल्दी 5-7 मिनट में जो है फ्राई हो जाता है, ठीक है ना। इसको मैंने ढक देना है और ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बना है ना। इसको मैंने एक अलहदा कटोरी में निकाल लेना है, ये इसको ये कटोरी में इतना सा होता है 2 टमाटरों का पेस्ट। ये मैंने जो है स्पैगेटी है, इसको मैंने सिर्फ 2-2 पीसेस किए, ये थोड़ी सी लंबी अच्छी लगती है। और ये मैक्रोनी है, ये मेरे पास हाफ डिब्बा था, ये जो है पूरा पैक था ना इसका डिब्बा स्पैगेटी का। और जब पानी जरा गर्म हो जाए, उबाल आने वाला हो, तो मैंने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसको फ़ौरन से हिला देना, ताकि एक जगह ना जुड़ना जाए। जब भी मैक्रोनी बनानी हो तो इसको आपने फटफट से ना डाल के ना तो हिला देना है, ताकि एक जगह चिपक ना जाए। और इधर जी मेरा चिकन जो है मज़ेदार, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, ये पक रहा है, ये देखें। इसको अभी थोड़ा सा और भूनना है, इसको आपने हिला देना और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है चिकन। इतना अच्छा, इतनी अच्छी इसकी इस टाइम खुशबू आ रही है ना, ऐसे ही दिल करता है ऐसे ही खाते जाएँ, क्योंकि खट्टा मीठा से बहुत मज़े का फ्लेवर है। ये देखिए मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, स्पैगेटी भी। अब मैंने इसको जो है छान लेना है, उसके ऊपर फ़ौरन से मैंने ठंडा पानी डाल दिया, ताकि ये चिकन इतनी अच्छी बॉयल हुई है ना, खिली खिली इतनी अच्छी है। ये देखिए फ़ौरन ठंडा पानी, और ये सब्जी मैंने
मिर्ची के अंदर जो है प्याज जो था वो लहसुन चॉप किया हुआ वो डाला, और इसको बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना है, इसके अंदर जो पूरी थी हरी मिर्ची वाली वो डाल देंगे। ये कि इसको थोड़ा सा ना भूनना, टमाटरों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी इसका ऑयल निकला है, ठीक है। इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद हमें अब इसके अंदर डाल देने हैं वो जो कट की हुई मेरे पास वेजिटेबल्स थी, जिन्हें मैंने बंद को ये डाली है गाजरें और ये शिमला मिर्च, शिमला मिर्च थी ना मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, इसको मैंने फुल हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि ये पानी ना छोड़े, क्योंकि अगर सब्जियों को हल्की आंच पे बनाए ना तो ये फौरन से पानी छोड़ देती है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाली है बंद गोभी, और आँच जो है वो फुल ही रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से ना पक जाए, सब्जियाँ हल्की सी कच्ची अच्छी रहती हैं तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम नहीं करनी है ताकि ये अच्छी तरह से ऐसे ही बन जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जी मैंने मिक्स वेल कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और काली मिर्ची जो मैंने पहले इसके अंदर नहीं थी डाली, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी ताकि बिल्कुल ये फीकी फीकी लगे, ठीक है ना। डाल के तो सबको तो मैंने मिक्स कर देना, देखिए इतनी अच्छी सब्जियाँ तब बनी है, टमाटरों की जो प्यूरी थी इसके अंदर इतनी अच्छी मिक्स हुई है। मैं तो जब भी बनाती हूँ सफ़ा वो काम है नहीं तो रहने बनाता, ठीक है। आपने भी ये देखिए, अब मैंने इसको मैक्रोनीज और स्पैगेटी जो है वो मिक्स कर दी, कितने अच्छे तरीके से यकजा हो जाएगी, और इसके लास्ट में भी मैंने इसके अंदर डालना है सोया सॉस, ब्लैक सोया डाल दूं मैम, और सिरका, ठीक है। जितनी भी मेरे पास सॉस थी, मेरे पास जो थी ना ये सोया सॉस वो मुझे आज थोड़ी सी कम लग रही थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि स्पाइस जो है वो मेरे बच्चे हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला चिली सॉस, ठीक है, चिली सॉस भी ज़्यादा ही जाएगा, और सिरके का मैंने 1 टेबल स्पून डालना है क्योंकि मैंने चिकन के अंदर भी सिरके को ऐड किया था, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हिला के ये देखिए इसके लास्ट में मैंने जो चिकन लैदा से बनाया हुआ था वो इसके लगेगा, बच्चे भी शौक से खाते हैं, ठीक है जी। ये जी मेरी मैक्रोनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, और अब मैं इनको सर्व करूंगी एक प्लेट के अंदर, उसके ऊपर जो है वो मैं डाल दूंगी दरवाजा क्योंकि सियाह बंद करके कहती बगैर, तो जी ये वैसे भी खाई नहीं जाती है, केचप के साथ ही इसका जो फ्लेवर है वो मज़े का लगता है, ठीक है। ये देखें इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ये मैंने प्लेट में डाल दिया, ये सर्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।